तो यार आज से बहुत पहले पूरे के पूरे एक दशक पहले इस भड़बूजे के बारे में इस चैनल पर जिक्र हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार और इनकी जलती हुई गांड की खुशबू ले लेते हैं। अच्छा, और अब तो मौका भी है दस्तूर भी। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल में इस भड़बूजे ने सबसे ज्यादा जहरीला काम किया है वो सबसे पहले तुमको दिखा दिया देता हूँ। कुछ ना कुछ करते रहता है साला, जोकर बना के रखा है तेरे को। तो आज ज्यादा दिमाग ना चाटते हुए सैचुरेशन वालों का पर्दाफाश करके इनका मिल्टन वाला फिल्टर निकालेंगे और उसके बाद इस भड़बूजे की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हालचाल है तुम्हारे? तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, तो खुशियों की लहर दौड़ने के बाद कुछ अच्छे टिकटॉकर थे जो देश को सपोर्ट करके इस ऐप को पूरी तरह तिरंजलि दे चुके हैं, और दूसरी तरफ है ये इंडिया से टिकटॉक तो जा रहे हैं। चाहे मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना। ओके क्वाइट यू टॉप, कीप क्वाइट। लगता है मैडम के सर में चोट आई है। मैडम जी आ जाओ, ठीक कर देता हूँ। अरे यार ये लोग उल्टे पैदा होते हैं क्या? नहीं, प्ले स्टोर भैया कब से बन गए? और अगर इनके हिसाब से प्ले स्टोर भैया है ना, तो उन्हीं भैया के हरम की सबसे सस्ती वाली रंडी थी टिकटॉक, जो कि मर गई। मानना पड़ेगा। अब इससे आगे कि क्या बोलूं यार, देखो कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रो पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूँगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वाह भैया वाह, क्या लॉजिक है! इससे बढ़िया लॉजिक तो राहुल गांधी के पास होगा। मजा आया। अब बैन हो रहा है, न्यूज़ सुना है, करो रही है टिकटॉक के तरह छोटे बच्चों को। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कसम से भाई रोना आ गया मुझे ये सब देख के। लौड़ा। तो तुम जैसों को तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर कुछ ढंग का काम करना चाहते हो तो वो चीज करो जिससे तुम्हारे परिवार को भी गर्व हो। लेकिन वो भी नहीं कर सकते तो तुम्हें ड्रोन के सहारे चाइना छोड़ के आने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। वहीं करना फिर इस मकौड़े के साथ खेल और चीनियों के साथ रेल। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं, अगर इतना ही प्यार है चाइना की ऐप से तो उधर ही जाओ, क्यों इधर बकवास करने आता है? कोई भी आता है और वीडियो बना के चला जाता है। और हाँ, मुझे चिल्लाना भी आता है। और मिस्टर रियाज बकाटू, अब कहाँ जाओगे बिना फिल्टर के? चूतिया साला। चूतिया शब्द भी छोटा है इसके लिए। दुनिया में कई तरह के चूतिया होते हैं और चूतियों की भी अलग ही प्रजातियां होती हैं। पहले नंबर पे आते हैं बेवकूफ, जिनको एक बार को माफ किया जा सकता है, रणवीर की तरह। दूसरे आते हैं चमगादड़ जैसी संगत रखने वाले, जो कि खुद तो बेवकूफ होते ही हैं, साथ में दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट मच्छर। अब देखा होगा तुमने कोई ऐसा कलाकार टिकटॉक का जो पहले लाइव आया बिना फिल्टर के, उसके बाद फिल्टर लगा के दोबारा वापस लाइव आया। हेलो गाइस, बताओ लेट्स मैं ऐड कर दूं कुछ होगा। ओके माँ की आंख, ये क्या चूतिया पाया भाई! अगर ये फिल्टर ने आंखें खोली नहीं होती तो हमेशा की तरह इसकी शक्ल इतनी सोनी नहीं होती। लैग हो रहा है मेरा इंटरनेट। अरे मेरा लौड़ा लैग हो रहा है, जब फिल्टर बार बार हटेगा तो इंस्टाग्राम की सेटिंग करने के लिए तो तू पीछे ही हटेगा ना। नहीं, तेरे को क्या लगता है पब्लिक चूतिया है जो तेरे फिल्टर और विदाउट फिल्टर के खेल को नहीं पहचान पाएगी? हाँ खैर, टिकटॉक वाली जनता हो सकती है। खूब कमाए जाओ पैसे फिल्टर लगा लगा के। हाँ पैसे से याद आया, अगर पैसे ही कमाने हैं तो binary.com पे जाओ, रजिस्ट्रेशन एकदम सिंपल है। लॉकडाउन का मौसम है तो अगर तुम चाहो तो अलग अलग करेंसीज में ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिनिमम 100 रुपए अमाउंट है, बस इस ग्राफ का ध्यान रखना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाले बटन को ही दबाओ, और जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो, कोई जोर की बात नहीं है। तो अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि रियाज अब कहाँ मिलेगा, तो कृपया करके आम के ठेले वाले के पास चले जाना, वहीं बेचता हुआ मिलेगा। और अगर पिस्सू भाई के बारे में पूछोगे तो पिस्सू भाई का तो पता ही है तुम्हें। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पिस्सू भाई को मिलने के, पिस्सू भाई तो मिले नहीं। मुंबई में कहाँ, किसी छोटे कपड़े वाली दुकान पे देखना चाहो तो वहाँ पे जरूर मिल सकते हैं। रंडी बाबू रंडी, मानव नल छोड़ कर रंडी, रंडी बाबू रंडी, मानव नल छोड़ कर रंडी।
बहन के डके कपड़े की दुकान खोल लिए भैया जी ने और बढ़िया बढ़िया सेल वाले कपड़े चल रहे हैं लॉकडाउन के हिसाब के, तो अगर चाहिए हो तो ले लेना। रंडियों के ढाबे पे फ्री का स्पॉन्सर है। अब जाते जाते आखिर में यही कहूंगा कि सच हमेशा सच्चा होता है और होता है बहुत ही कड़वा। तुम्हारे टिकटॉक आने के 10 साल से भी पहले से चलता आ रहा है यूट्यूब, जानता है क्या बढ़वा। तो आज के लिए बस इतना ही, पता है मुझे किसी नए बंदे पे वीडियो पहुंचेगी नहीं, मगर फिर भी पहुंचे और अगर तेरे को पसंद आए भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, क्योंकि हर 2-3 दिन में एक आध वीडियो आई जाती है हमारी कूदते फांदे। और बस एक काम और करियो, बटन को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, घंटे के पर लगाना मत भूलियो। तो पुराने बंदों के लिए तो वही है, हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाएं, शेयर करें, लाइक दबाएं और डिसलाइक वाले माचुदाएं। मेरे को इंस्टाग्राम पे थोड़ी फॉलो कर लो यार, 4,000 के करीब फॉलोवर होने वाले हैं, करना चाहते हो तो कर लो भाई, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। और डिस्कॉर्ड पे भी आना चाहो तो आ जाओ, थोड़ी एक्टिवनेस दिखाओ, बातें बातें चालू करें डिस्कॉर्ड पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।